जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। वाराणसी की अदालत ने ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर व्यास का तहखाना क्षेत्र में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी है। इस फैसले का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है और इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। इस घटना के पीछे के तथ्य और प्रभाव को जानने के लिए आइए देखते हैं एयर न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे कुल 4 तहखाने हैं, जिनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के कब्जे में है जो वहां रहते थे। व्यास ने याचिका दायर की थी कि वंशानुगत पुजारी के रूप में उन्हें तहखाने में प्रवेश करने और पूजा फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए। वाराणसी की अदालत ने बुधवार को हिंदू भक्तों को मस्जिद के अंदर व्यास का तहखाना क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति दी है। अदालत ने जिला प्रशासन से अगले 7 दिनों में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधि वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बारे में कहा कि पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी, हर किसी को पूजा करने का अधिकार होगा। आपको बता दें कि अदालत द्वारा पूजा की अनुमति देने के बाद वकील सोहन लाल आर्य ने कहा, आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, अदालत का फैसला अभूतपूर्व था। व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन अभी तक भक्तों के लिए व्यास का तहखाना खोला नहीं गया है। अदालत के आदेश पर बोलते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। अदालत ने 2022 की आयुक्त द्वारा पेश की गई रिपोर्ट, ASI की रिपोर्ट और 1937 के फैसले को नजरअंदाज कर दिया है जो हमारे पक्ष में था। हिंदू पक्ष की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया हुआ है जिससे साबित है कि 2093 से पहले यहाँ पूजा हुई थी, साथ ही वहाँ कोई मूर्ति भी नहीं है। एक और वकील मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वे इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कोई आदेश नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट और जिला अध्यक्ष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, हम इसे कानूनी रूप से लड़ेंगे, ये राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। वही रणनीति अपनाई जा रही है जो बाबरी मस्जिद के मामले में की गई थी। आयुक्त की रिपोर्ट और ASI की रिपोर्ट पहले कहती थी कि अंदर कुछ नहीं है, हम इस फैसले से बहुत नाराज हैं। आपको बता दें कि इस विवाद का इतिहास बहुत पुराना है। 1991 में व्यास परिवार ने याचिका दायर की थी कि उन्हें तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने दावा किया था कि वहां शिवलिंग और वेद व्यास की मूर्ति है। इस पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने विरोध किया था और कहा था कि वहां कोई ऐसी चीज नहीं है। 2022 में अदालत ने एक वकील आयुक्त नियुक्त किया था जिसने तहखाने का मुआयना किया और रिपोर्ट में कहा था कि वहां कोई शिवलिंग या मूर्ति नहीं है, उसने केवल कुछ पुरानी किताबें और चीजें पाई थी। उसी साल ASI ने भी एक खुदाई करके रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि वहां कोई प्राचीन धार्मिक अवशेष नहीं मिले हैं। ऐसे में इस फैसले से वाराणसी में धार्मिक तनाव बढ़ सकता है। इससे पहले 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को भी विवादित बनाया गया था। कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि मस्जिद के नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेष हैं। उन्होंने मस्जिद को तोड़ने और मंदिर को पुनर्निर्माण करने की मांग की थी। इस पर सरकार ने 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बनाया जिसने 15 अगस्त 1947 के बाद के किसी भी धार्मिक स्थान के स्वामित्व और व्यवस्था को अचल बना दिया था।
इस अधिनियम के तहत ज्ञान वापी मस्जिद को मुस्लिमों का ही माना गया था। इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि धार्मिक स्थानों के आसपास के क्षेत्रों को लेकर विवाद भी जारी है। इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपनी असंतुष्टि जताई है और कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है और वे इसके खिलाफ उच्च अदालत में जाएंगे। वहीं हिंदू पक्ष ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है और कहा है कि उन्हें अपने धर्म का अभ्यास करने का अधिकार मिला है। इस फैसले का आगे क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना होगा। इसके लिए हमें अब इंतजार करना होगा कि उच्च अदालत का क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे थे।